फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू एप्स, हम इंडियंस चाइना को हर फ्रंट पे बॉयकॉट और बैन करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं बात किसी चाइनीज ऐप या स्मार्टफोन को बैन करने की नहीं करने वाला। आज मैं आपको एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिससे चाइना का एक और माइंड गेम आपको नजर आ जाएगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके उन्हें अवेयर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूँ। एक व्यक्ति ने अपने नए घर का गृह प्रवेश किया। उसने सारे दोस्तों को बुलाया, उसके सारे दोस्तों ने उसे गिफ्ट दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसने सारे गिफ्ट्स खोलना शुरू किए तो सरप्राइजिंगली एक दो गिफ्ट्स को छोड़कर सभी में उसे मिले लाफिंग बुद्धा, फेंगशुई पिरामिड, चाइनीज ड्रैगन, टॉर्टोइज, फेंगशुई कॉइंस और हाथ हिलाती हुई बिल्ली। साथ में मिले डिस्क्रिप्शन में इन गिफ्ट्स के यूसेज और इनके रखने के सही डायरेक्शन के बारे में लिखा हुआ था। लाफिंग बुद्धा फॉर मनी एंड हैप्पीनेस, पानी में डूबा हुआ कछुआ कर से मुक्ति, चाइनीज ड्रैगन रोगों से मुक्ति, फेंगशुई कॉइंस फॉर गुड लक। अब बात आती है चाइना के माइंड गेम की। फेंगशुई, इट इज द माइंड गेम ऑफ चाइना। चाइना इंटरनेट पर प्रेजेंट हजारों वेबसाइट्स, टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, मैगजीन्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करके फेंगशुई का जाल पूरे ग्लोब में हर कंट्री में फैला चुका है। चाइना यूजेस फेंगशुई फॉर इनिशियल ट्रेसपासिंग इन मार्केट। किसी भी कंट्री की मार्केट में चाइना पहले फेंगशुई के थ्रू एंट्री करता है। 20,000 करोड़ रुपीस के एक्सपोर्ट के साथ चाइना इंडिया के 75% मार्केट को कवर कर चुका है। फ्रॉम स्मॉल शॉप्स टू बिग मॉल्स, हर जगह आपको ये चाइनीज प्रोडक्ट भर भर के मिलेंगे। दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी सिटीज की कुछ शॉप्स की एवरेज पर डे सेल तो 35,000 to 75,000 तक है। लेट्स टॉक अबाउट चाइना स्ट्रेटजी टू डैमेज इंडियन इकोनॉमी। भगवान की मूर्ति से लेकर नटराज पेंसिल तक सबकी कॉपी बनाकर चाइना ओपनली इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। पॉलिस्टर रेजिन जैसे नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली एलिमेंट से बने गणेश लक्ष्मी को चाइना इंडिया में बेचकर सिर्फ दिवाली के दिन ही 400 करोड़ रुपए कमा लेता है। कम्युनिस्ट चाइना ने इसी तरह इंडिया के हजारों क्राफ्ट्समैन, स्मॉल फैक्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, कर्मकार जैसी 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाली जातियों के लोग आज बहुत पुअर कंडीशन में हो चुके हैं। चाइना ने हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब से हटाकर एक मिडिल मैन बनाकर खड़ा कर दिया है। अब बात करते हैं चाइना के दूसरे एस्पेक्ट की, चाइना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब जंग सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन से नहीं, साइकोलॉजिकली भी लड़ी जाती है। चाइना फेंगशुई का यूज एज अ वेपन कर रहा है टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट फेमस लाफिंग बुद्धा। इज इट रियली महात्मा बुद्ध? नो, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी इस तरह की मूर्ति अपने घर में रखो तो आपको गुड लक और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अफसोस की बात यह है कि आज हम इंडियंस, स्पेशली हिंदूज, तुलसी ऐसे पेरेनियल और मेडिसिनल प्लांट से ज्यादा लाफिंग बुद्धा को अपने घर में जगह देने लगे। फेंगशुई की दुनिया के एक और फेमस मॉडल चाइनीज गॉड्स फुक, लुक एंड साव। चाइना ने इन्हें नेम, फेम और लॉन्ग लाइफ देने वाला देवता बताकर 200 से लेकर 15,000 रुपए तक की मूर्तियां इंडिया में बेच डाली और हम इंडियंस ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह इनकी मूर्तियों को अपने घर, अपनी वर्क प्लेस में रखने लगे। मार्केट में ऐसे बहुत से चाइनीज फेंगशुई प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नेम, फेम और मनी देने का यकीन दिलाते हैं। अगर ये काम करता है तो चाइना इसका यूज अपने कंट्री में क्यों नहीं करता? यदि ऐसा होता तो चाइना में हर 10 में से एक व्यक्ति गरीब ना होता। कमाल की बात यह है कि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फाउंडेशन के बाद चाइना ने फेंगशुई को एज अ फ्यूडलिस्टिक सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, एज अ सोशल इवेल डिक्लेयर करके अपनी कंट्री में ही बैन कर दिया। फेंगशुई की प्रैक्टिस करने वालों को चाइना के रेड गार्ड्स बेरहमी से मारते भी थे। आज भी चाइना में फेंगशुई एज अ कंसल्टेंसी बिजनेस, एज अ प्रैक्टिस बैन है। दिस इज चाइना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अपने देश में अंधविश्वास को बैन कर दूसरे के देश में इसको बढ़ावा देना, दूसरे के देश में उसका व्यापार करना, अपनी इकोनॉमी मजबूत करना और दूसरे की स्पिरिचुअल रूट्स को पूरी तरह डैमेज करना। फेंग का मतलब होता है हवा, विंड, और शुई का मतलब होता है पानी, वाटर। फेंगशुई मींस हवा, पानी, यानी एनवायरमेंट। कमाल की बात यह है कि क्लासिकल फेंगशुई में इन सब चीजों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही क्लासिकल फेंगशुई कहती है कि आप इन सब ढोंग और अंधविश्वास में पढ़ो। क्लासिकल फेंगशुई इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस एंड मैथमेटिकल फॉर्मूलास जिसका यूज आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए होता था। तो अब बात आती है कि हम इंडियंस क्या करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा अगर आपके पास ये सब है तो आप इसे निकाल कर घर से बाहर कर दें या इसे तोड़ डालें। ब्रेकिंग इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप अपना पैसा लगा चुके हैं, आप इसे खरीद चुके हैं और इसको डिस्ट्रॉय करके आप चाइना का कोई भी लॉस नहीं कर रहे। हैशटैग वोकल फॉर लोकल, लेट्स बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं कि देश सेवा करने के लिए आपको बॉर्डर पर ही रहना जरूरी है, आप अपने देश के बने प्रोडक्ट्स को भी यूज करके देश सेवा कर सकते हैं।
लेट्स फोकस ऑन मेक इन इंडिया एंड नॉट ब्रेक इन इंडिया।